डियर स्टूडेंट्स थर्टी क्वेश्चन के एक और शानदार सेट के साथ मैं फिर आप हो के बीच हाजिर हूं इस टॉपिक की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार के सेट में आपके स्कोर्स कहीं ज्यादा होंगे मुझे उम्मीद है कि आप लोग 25 प्लस से स्कोर करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सेट की जिसका पहला प्रश्न इस तरह से है पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के में जुते हुए खेत में हल रेखा चलाए जाने का प्रूफ साक्ष कहां से मिला है सिद्धु सभ्यता में खेती होती थी तो वहां पर प्लोइंग का इस तरह का फरो का यह साक्ष कहां से मिला है समझ लें इस बार आपको पांचवें ऑप्शंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है तो आप आंसर बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चन एक से अधिक वाले ई ऑप्शन हो सकते हैं तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान राजस्थान में काली बंगा में दरअसल ये फरो यानी हल चलाए जाने का साक्ष मिला है आज का दूसरा क्वेश्चन सिंधु सभ्यता में योगी रूप पशुपति के चारों ओर पाए जाने वाले एनिमल्स यानी जानवर कौन है यहां पर आपको बताना है पशुपति क्या बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक सील मिला है जिसमें चारों ओर पशु हैं सोच लें समझ लें तो इसका आंसर हो जाएगा डी बाघ गैंडा हाथी और भैंसा यानी टाइगर राइनो एलिफेंट और बफेलो तो ये आप ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन आज का तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस सिंधु स्थल से घोड़े के दांत यानी टीथ हॉर्स टीथ का प्रूफ मिला है किस साइट से तो इसका आंसर हो जाएगा सी राणा घुंडई जिन्होंने दृष्टि लिया हुआ है वो इस पर थोड़ा सा प्रश्न करेंगे दृष्टि में मोहन जोदड़ो भी दिया हुआ है लेकिन इसे और जगह से हम प्रूफ नहीं कर पाए इसलिए यहां पर हम केवल राणा घुंडई से मानेंगे आज का चौथा क्वेश्चन ये एक मैचिंग है आपको मैच करके सही मैच करके ये बताना है कि सही आंसर क्या है इस तरह के क्वेश्चंस आपको बराबर देखेंगे यहां पर आप ध्यान लगाकर सही मैच करके बताएं डी या फिर ई e. आप यह भी ध्यान रखें फिफ्थ ऑप्शन भी बीच में आ सकते हैं उसका भी आप ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी ए का तीन बी का चार सी का एक और डी का दो आज का पांचवा क्वेश्चन हड़प्पा के लोगों द्वारा स्थापित वह उपनिवेश वह मिड पॉइंट जिसके सहारे वे मध्य एशिया से व्यापार करते थे यानी एक उनका कॉमर्शियल सेंटर था जहां वे रुकते थे और फिर मद शहली निकलते थे यह कौन सा कॉमर्शियल सेंटर या वाणिज्यिक उपनिवेश था तो इसका आंसर हो जाएगा डी छोड़ गई अफगानिस्तान में छोड़ गई एक इनका वाणिज्यिक उपनिवेश था आज का छठा क्वेश्चन सिंधु सभ्यता में मकानों के दरवाजे डोर्स किस ओर खुलते थे इंपॉर्टेंट है तो इसका आंसर हो जाएगा सी गली की ओर देखिए यह ध्यान देने वाली बात है कि सड़कें सड़क की ओर नहीं दरवाजे सड़क की ओर नहीं बल्कि पीछे गली की ओर खुल रहे हैं सातवां क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के लोग किस पेड़ को पवित्र मानते थे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पीपल का पेड़ आठवां क्वेश्चन हड़प्पावासी एक सेमी पेशियस स्टोन यानी अर्धकीमती पत्थर के दीवाने थे बल्कि इसे बड़े ही चाह से और बड़े जतन से मंगाते थे तो ये लाजवर्द मनी यानी लैपीज लैजुली ये कहां से मंगाते थे ए बी सी डी या फिर ई e. तो इसका आंसर हो जाएगा ए बदखशा बदखशां अफगानिस्तान में है और यहां से ये एक सेमी प्रेशस लेकिन काफी उच्च वर्ग के लोगों में इसका बड़ा क्रेज था तो ये बदक्शा से आता था अफगानिस्तान से आज का नवा क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के लोग किस मुख्य फसल को की पैदावार करते थे यानी उगाते थे मेन क्रॉप उनका क्या था डी या फिर ई e. तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मुख्य फसल पे कई बार प्रश्न आ चुके हैं पहले भी आज का दसवां क्वेश्चन सिंधु सभ्यता में खुदाई में मिले दर्पण मिरर मिले हैं यानी बाल झाड़ने के लिए चेहरा देखने के लिए ये मिरर यूज करते थे ये मिरर किस चीज का बना हुआ मिला है डी या फिर तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर तांबा तांबे का दर्पण मिला है आज का ग्यारहवां क्वेश्चन सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रजाति के स्पेसीज के लोग रहते थे मंगोलाइट अल्पाइन आप जानते हैं कि पूरे विश्व में अलग अलग नए नक्श रूप आकार के लोग हैं तो इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांध दिया बांट दिया गया है इन्हें प्रजाति के रूप में हम जानते हैं यहाँ पर आपको बताना है कई प्रजातियाँ थी लेकिन मुख्य कौन थी विशेषकर मोहनजोधरों में ये कंसंट्रेटेड थी तो इसका आंसर हो जाएगा सी भूमध्य सागर ये मेजिटरेनियन यानी जिनके रंग साफ होते हैं और नाक खड़े होते हैं चेहरा खड़ा होता है बारहवा क्वेश्चन यहां फिर से देखिए मैचिंग आ गया है आपको बताना है कि यहां कौन सा मिसमैच्ड है मैच नहीं है ए बी सी डी या फिर ई e, नदियां हैं उनके साइड के साथ आपको मैच करना है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका आंसर हो जाएगा डी आलमगीरपुर आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है मादर नदी के किनारे नहीं बाकी सब बिल्कुल करेक्टली मैच्ड हैं आज का तेरह क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के लोगों के वस्त्र यानी क्लॉथ किस तरह के थे वे किस चीजों के कपड़े क्लॉथ पहनते थे एबीसीडी या फिर तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवा ऑप्शन ई चूंकि सूती और रेशमी दोनों प्रकार के ये कपड़े पहनते थे तो यहां पर पांचवा ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन चौदहवा क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए स्टेटमेंट है सिंधु व्यापारियों ने आदान प्रदान के लिए धातु के सिक्कों का प्रयोग किया मेटल क्वाइंस का दूसरा सैंधव व्यापार मध्य एशिया और मिसोपोटामिया से होता था तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है या गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो जो कि एक्सचेंज में बाटर सिस्टम था आदान प्रदान में वस्तु विनिमय होता था लेकिन कहीं कहीं पर कौड़ियां चलती थीं लेकिन आम तौर पर वस्तु विनिमय होता था तो ये गलत हो गया मीटर क्वाइन नहीं चलता था यहां पर केवल दो सही होगा चौदह नंबर का बी हो गया आंसर पंद्रहवा क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में गलत मिसमैच्ड क्या है गलत सुमेलित कौन सा है इसके पतन से संबंधित जो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं बताया है कि किस कारण से पतन हुआ तो आपको बताना है कि इसमें से कौन एक गलत है सुमेल नहीं है बाढ़ आर्य का आक्रमण अग्निकांड अस्थिर नदी तंत्र तो इसका आंसर हो जाएगा औरल स्टाइन औरल स्टाइन ने अग्निकांड नहीं बल्कि पर्यावरणीय कारणकों को इन्वायरमेंटल काउ को मेन कारण माना है आज का सोलहवा क्वेश्चन सी इसका आंसर हो जाएगा पंद्रह का सोलहवा क्वेश्चन दशमलव प्रणाली डेसिमल सिस्टम वाली जो माप तौल प्रणाली थी आप जानते हैं कि चीजें जब बेची जाएंगी तो उसको मापा तौला जाएगा तो ये किस मल्टीपल की थी क्या ये लोग जो अंकीय पद्धति था जो डिजिट किस तरह का कितने का मल्टीपल था मापतौल तो की पद्धति क्या थी ए बी सी डी या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है आसान ही है इसे आपको सही करना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी 16 और उसके गुणकों का देखिए कितना ये इंपॉर्टेंट है हम लोग हाल के दिनों तक 16 आने भी यूज़ करते थे तो 16 का सोलह और यानी सोलह चौंसठ तीन सौ बीस छः सौ चालीस इस तरह का रहता था जो अंकी पद्धति इनकी थी वो इस तरह की थी आज का सत्रहवा क्वेश्चन सिंधु सभ्यता में किस संगठन का यानी किस ऑर्गेनाइजेशन का आप दिखाई नहीं देता उसकी स्थिति यहां पर अस्पष्ट है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्लियर नहीं है ए बी सी डी या फिर ई e? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम क्लियर नहीं है सिंधु सभ्यता की तो इसका आंसर यहां पर सी है अठारवां क्वेश्चन किसने हड़प्पा और मोहन को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी यानी ट्विन कैपिटल कहा है जुड़वा राजधानी ए बी सी डी या फिर ए समझ ले तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट यानी ए इन दोनों को इसने ट्विस्ट कैपिटल कहा है उन्नीसवां क्वेश्चन कांसे की बैलगाड़ी ब्रोंज का बना हुआ ब्लॉक किस हड़प्पा स्थल से मिला है कांसे की बैलगाड़ी आपको सभी स्थलों में कुछ महत्वपूर्ण जो वस्तुएं मिली हैं उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए उन्नीसवां क्वेश्चन आपको बताना है कांसे की बैलगाड़ी तो इसका आंसर हो जाएगा डी चन्दो सिंध में चन्हुडो में यह मिला है बीसवा क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान था नॉलेज था किसके बारे में ये जानते थे क्या ये घोड़े के बारे में जानते थे लोहे के बारे में जानते थे गाय के बारे में जानते थे ऊंट के बारे में या फिर इनमें से कोई नहीं ध्यान से आप बनाएं, बिल्कुल इस पर आपको रुकना चाहिए बीसवा क्वेश्चन ए बी सी डी या फिर ई e? तो इसका आंसर हो जाएगा ई पांचवा ऑप्शन चूंकि घोड़े की भी ने जानकारी थी साथ में गाय की भी जानकारी थी और ऊंट को तो ये पालते ही थे ऊंट के कई जगह साक्ष मिले हैं तो दरअसल ये मोर वन आंसर हो जाएगा हाँ, लोहे की जानकारी ने नहीं थी आज का इक्कीसवा क्वेश्चन निम्नलिखित सिंधु स्थलों का सुमेल कीजिए जे कहां पर क्या मिला है ये मैच करना है आपको ये बहुत सारा इसमें इस तरह के तथ्य हैं आपको इसे एक जगह कॉपी में आज ही कलेक्ट कर लेना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण साइट्स और मिले हुई वस्तुओं को इक्कीसवा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आपको बताना है कि सही मैच क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा डी चार तीन दो एक आज का बाईसवां क्वेश्चन मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार यानी ग्रेट बाथ की सीढ़ियां किस दिशा में है जो लैडर्स हैं जिन्हें जिसमें सीढ़ी मिलसे उतरते थे अच्छी गहराई थी तो आपको बताना है कि ये डायरेक्शन क्या था सीढ़ी का ए बी सी डी या फिर ई e. तो इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तर और दक्षिण दिशा में दो सीढ़ियां थी आज का तेईसवा क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आप ये याद रखें बीपीएससी में एक ही साथ बहुत आसान और बहुत टफ क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग तेरह लाख दरअसल बारह लाख निन्यानवे हजार छह सौ स्क्वायर किलोमीटर जो लमसम लगभग लग तेरह लाख स्क्वायर किलोमीटर यह था चौबीसवां क्वेश्चन जोड़ो की सबसे बड़ी इमारत सबसे बड़ी बिल्डिंग क्या है जोड़ो की ए बी सी डी या फिर तो इसका आंसर हो जाएगा अन्नागार यानी ग्रेनरी यानी जहां पर खाद्य वस्तुओं को गेहूं जाओ जैसी वस्तुओं को ये लोग रखते थे आज का 25वां क्वेश्चन सिंधु सभ्यता प्राय क्या थी मैटरनल पैटर्नल फैमिली ओरिएंटेड या ग्रुप ओरिएंटेड क्या थी ये या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा मात्र सत्तात्मक बहुत इंटरेस्टिंग है चूंकि मातृ देवी की हर जगह आप उसके साइंस मिल, मिल जाते हैं उसके टेराकोटा मिलता है और भी कई सारे तथ्य हैं पौधे निकलते हुए गर्भ से दिखाया गया कई ऐसे तथ्य तो 26वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व तो सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कभी नहीं रहे एस e के अध्यक्ष को डायरेक्टर जनरल कहते हैं अंग्रेजों के समय डायरेक्टर जनरल लेकिन अब डायरेक्टर कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ई नन ऑफ दीज बल्कि मोर देन वन हो जाएगा क्योंकि इसमें सभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर रह चुके हैं दयाराम सानी पहले भारतीय थे जो ए के डायरेक्टर बने एएसआई की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861 में की थी जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं आज का सत्ताईसवां क्वेश्चन सिंधु सभ्यता में गोमुत्रिका लिपि बॉस्टोडन स्टाइल का स्क्रिप्ट कहा मिला है लेखनी रिटर्न फॉर्म ये कहा मिला है जिसे गोमूत्र का लिपि भी कहते हैं यानी दाएं से बढ़ा बाएं आ गया बाएं से फिर दाएं तो यह बॉस्ट्रोफेडल लिपि है तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान में कालीबंगा से यह मिला है आज का अट्ठाईसवां क्वेश्चन यह भी आप जान लें कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो दरअसल भाव चित्रात्मक थी यानी पिक्टोग्राफिक थी अट्ठाईसवां क्वेश्चन सिंधु सभ्यता में खेती के लिए सिंचाई यानी इरिगेशन के सोर्स क्या थे साधन क्या थे फसल उगाए जाते थे तो सिंचाई भी की जाती होगी नदी तालाब नहर या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा बी एक और दो यानी नदी और तालाब कैनाल यूज नहीं होता था कैनाल ट्रॉस डेवलपमेंट डेवलप्ड हम कहेंगे कि तकनीकी पक्ष है उनतीसवां क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के निवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे ये कैसे पता चलता है रीबर्थ की सोच उनके पास थी ये कैसे पता चलता है कि वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे इसे आप आराम से पाउस करके पढ़ें एबीसीडी या फिर तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम संस्कार से अंतिम संस्कार में जिस तरह से ये चीजों को अपने पास रखते थे उससे ये लगता था कि बाद में भी इन्हें काम आने वाला यह वस्तु है तो ये अपने पास इनके परिचित साथ में ग्रेवयार्ड में या अंतिम संस्कार में रख देते थे आज का 30वां और अंतिम क्वेश्चन किस सभ्यता में सिंधु सभ्यता में किस कारीगर आर्टिजन या कारीगरों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था सबसे ज्यादा इनका रिस्पेक्ट था ये कौन थे थे तो कई सभी थे इनमें से कौन सबसे रिस्पेक्टेड माना जाता था बड़ा सम्मान था इसका ए बी सी डी या फिर ई e. समझ लें तो इसका आंसर हो जाएगा सी सिंधु सभ्यता में कांस्य शिल्पियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था चूँकि कांसे के कई सारे औजार भी मिले हैं हथियार भी मिले हैं साथ ही बर्तन भी हैं कई सारी चीज़ें हैं जो कांसे के बने होते थे टीन को मिला कर कांसे को तैयार किया जाता था, था जो बहुत ही उपयोगी था थोड़ा सा हार्ड भी था यानी कि ये कई तरह के काम में यूज़ होता था तो आज के इस एपिसोड को यहीं पर रखेंगे आप काउंट करें देखें कि कितना आपने सही किया है आपका संवाद का एक टॉपिक नेक्स्ट आएगा बहुत जल्दी तब तक आपसे इजाजत लेंगे अपना ध्यान रखें अपने मनोबल को कभी गिरने ना दें टाइम अभी भी काफी है काम करने के लिए काफी कुछ है समय है ये बड़ी बात है टेक केयर